उषा पटेल गार्डनिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो देखो फ्रेंड, आज ये मनी प्लांट के बारे में। तो मनी प्लांट हम पानी में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, और एक मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि हम अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं, पानी में ग्रो कर सकते हैं। और वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार हम इस प्लांट को ग्रो करते हैं तो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है, पॉजिटिव ऊर्जा देता है। तो हमें पानी में जब हम ग्रो करते हैं तो कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, कहाँ कहाँ हम उसको रख सकते हैं, कौन सी खाद देनी है, ये सब मैं आज आपको बताती हूँ। तो पहला कि मनी प्लांट एक शुभ प्लांट माना जाता है, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है। तो हम उसकी सुंदरता के लिए हम इसको हमारे बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, कहीं भी हम उसको पानी में ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने कितनी छोटी छोटी बोतल में भी उसको ग्रो किया है, कि ऐसा नहीं है कि मनी प्लांट ज़मीन में ही ग्रो होता है, पानी में ग्रो होता है तभी उसकी भी अच्छी सी ग्रोथ होती है, नए नए पत्ते भी आते हैं। आप देख सकते हो, देखो यहाँ, तो पानी में भी अच्छे से चलने वाला एक प्लांट है। यहाँ बच्चे स्टडी करते हैं तो स्टडी रूम में उसके स्टडी टेबल पे भी हम रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को उसके पास रहने से उसको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। हमारे घर में जब हम इसको ग्रो करते हैं तो क्या होता है, घर में उसकी एनर्जी, अच्छी एनर्जी मिलती है, मतलब पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, और हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे घर के वातावरण के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, इसीलिए इस प्लांट को शुभ माना जाता है। जो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है तो क्या होता है, हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है, और जब हम इसको घर में हमारे ड्राइंग रूम में, बेडरूम में रखते हैं तो इसको देखते ही हमको, हमारी आँखों को अच्छा सा सुकून मिलता है, और हमको बहुत एक खूबसूरत प्लांट को देखने से भी हमारा मन प्रफुल्लित होता है, इसलिए हमें इसको घर के अंदर भी ग्रो करना चाहिए। हम जब इसको बॉटल में ग्रो करते हैं तो कुछ हमें सावधानियाँ रखनी पड़ती है, कि आप यदि आपके पास थोड़ा बड़ा मुंह वाली बॉटल है तो अच्छा है, आप इसको कांच की बॉटल में या प्लास्टिक में भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कांच की बॉटल में ही हमें ग्रो करना है, प्लास्टिक की बॉटल में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखे इसलिए हमें उसको कांच की बॉटल में ग्रो करते हैं। आपको जो थोड़ा बड़ा मुंह होगा तो क्या होता है कि बोतल साफ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा छोटा मुंह होता है तो फिर ऐसी बोतल को साफ करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हम जो बच्चे के दूध की बोतल होती है इसके साफ करने की जो ब्रश आता है इसी से हम मैं साफ कर लेती हूँ। आप इसके अंदर रंगीन पत्थर रखोगे तो अभी बहुत खूबसूरत दिखता है, मैंने भी पहले रखे थे लेकिन मेरी हीरू ने इसमें से निकाल दिया है, तो आप इसको और सुंदर दिखाने के लिए इसके अंदर रंगीन पत्थर रखते हैं। वहाँ जो डी मार्ट और ओसिया जी वहाँ होता है, हैंडलूम हाउस, इसमें 10-10 रुपये में आपको एक छोटी छोटी पुड़िया मिल जाती है पत्थर की, वो आप इसके अंदर रखोगे तो बहुत खूबसूरत दिखता है। आप इसको कभी बाथरूम के अंदर नहीं रखना चाहिए, हमारे बेडरूम में, लिविंग रूम में या अपने किचन में आप रख सकते हो, तो इसके अंदर अच्छी सी हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। आप इसको पानी में ग्रो करो तो हमेशा हफ्ते में एक बार इसका पानी को चेंज कर दो, और जब आप पानी चेंज करो तो आप इसको कभी ऐसे नीचे नहीं रख देने है, नीचे रखने से इसकी जो रूट होती है ज़मीन के टच हो जाएगी और फिर हमारी रूट खराब होने की संभावना होती है। तो जब हम पानी चेंज करें तब आप एक बड़ा सा टब ले लो और बड़े से टब में पानी भर के आप अपने प्लांट को इसके अंदर रख दो, तो क्या होता है, हमारा प्लांट साफ भी हो जाएगा, प्लांट साफ भी हो जाएगा, इसके ऊपर जो धूल मिट्टी होगी वो भी साफ हो जाएगी, और फिर आप नया पानी चेंज कर दो तो हमारे प्लांट में आप पानी चेंज नहीं करें तो क्या होगा, अंदर काई भी लग सकती है, और जब हम उसको एक ही पुराने ही पानी में रखने से क्या होता है, पानी के अंदर जो खोराक होता है वो कम हो जाता है तो हमारे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते और पत्तियां पीली हो जाती है। ऐसा नहीं है एकला मनी प्लांट, देखो ये मैंने वेरीगेटेड मनी प्लांट है उसको भी रखा है, इसके अंदर मैंने ये इसके अंदर मैंने उसको भी, आप सिंगोनियम को भी ग्रो कर सकते हो,
कोई भी प्लांट को, स्पाइडर प्लांट है इसको इसको भी अंदर ग्रो कर सकते हो, कोई भी प्लांट आप ग्रो कर सकते हो जो पानी में ग्रो होता है। तो हम जब पानी में ग्रो करते हैं तो हमें क्या करना है, उसको कुछ खाद को देनी पड़ेगी। जब आप पानी चेंज करो तो हफ्ते में एक दिन, तो आप इसको कुछ नहीं, नाइट्रोजन रिच ये यूरिया फर्टिलाइजर है, हर 15 दिन में एक बार, हर हफ्ते नहीं देना, हर 15 दिन में एक बार जब आप पानी चेंज करो तो हर एक बोतल में आप, ये छोटी सी बोतल है तो मैं इसमें बस इतना इतने ही दाने डालूंगी, थोड़ी बड़ी बोतल होती है तो थोड़ा आप इतना दाना डाल सकते हो। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देने से क्या होता है, हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, अच्छे से इसमें जड़ आएगी और नए नए पत्तियाँ खिलेगी, और जो भी पत्तियाँ पुरानी हैं वो भी एकदम से चमकदार रहेगी। तो जब आप मनी प्लांट को पानी में ग्रो करना है तो क्या करना है, ऐसी कोई अच्छी सिस्टम है जो मजबूत भी है, थोड़ी सी ठीक है, पेंसिल स्टाइल की और थोड़ी पुरानी है, तो आप ऐसी ठीक वाली आप जब लेंगे तो क्या होता है, ऐसी कोई ठीक वाली जो होगी, ऐसी वाली तो क्या होता है, उसका ख़राब होने का चांस कम होता है। और इसमें आप देख सकते हो ऑलरेडी ऐसी रूट्स आई होती है, तो जल्दी से आपका प्लांट सर्वाइव कर पाता है और जल्दी जल्दी से रूट्स डेवलप करता है और अपना प्लांट अच्छी सी ग्रोथ करता है। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।